एतराज़ आया है। एक पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े अच्छे समाजसेवी हैं, बड़े जानकार हैं। उन्होंने रिटन में उनका स्टेटमेंट आया हुआ है एक वीडियो के ऊपर कि ये जो आप बार बार भगवान भगवान बोलते हैं, कृपया करके बुद्ध को बार बार भगवान ना बोलें, ये भगवान नहीं है। ऐसा एतराज़ और भी लोगों का हो सकता है और कुछ समय पहले तक मेरा भी ऐसा एतराज़ था। मैं भी कहता था कि आप बुद्ध को भगवान ना बोलें, बुद्ध कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उस समय तक मैं ये मानता था कि भगवान शब्द का जो मतलब है वो कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी धारणा है जो बड़ी चमत्कारी है और एकदम चमत्कार से भरी हुई है, जबकि बुद्ध की फिलॉसफी में तो कहीं चमत्कार का कोई एक शब्द भी या एक लफ्ज़ भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो चमत्कार करता हो, और खुद बुद्ध ने भी कभी कोई चमत्कार के बारे में कोई बात नहीं की। मगर फिर भी मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, और मैं कई बार भगवान इस्तेमाल नहीं करता, अधिकतर मैं भगवान इस्तेमाल करता हूँ, भगवान करता हूँ, भगवान करता हूँ, भगवा करता हूँ, और भगवान भी कभी कभी बोल देता हूँ। दरअसल एक मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उनमें अंतर देख लें, क्योंकि टीम 22 पे जितने भी प्रश्न आपके आते हैं देर सवेर हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। भगवान, 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 भगवा, इसमें क्या अंतर है और क्यों ये बोले जाते हैं, उनका सभी शब्द सार के रूप में, शब्द के अर्थ के रूप में या शब्द के अर्थ के रूप में या जो वर्ड मीनिंग है उसके रूप में बताया गया है पाली के हिसाब से। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ, भगवान का मतलब है भग प्लस वान। वान जो बोलते हैं वो दो शब्दों में आता है। एक तो आपने देखा होगा पुराने समय में जो चारपाई बोली जाती थी, बुनी जाती थी, उनमें एक जो रस्सी होती थी उस पौधे का नाम वान है। एक झाड़ी है बहुत लंबी जिसको वान बोलते हैं, उस झाड़ी से, वान से जो छोटी छोटी रस्सियाँ बनाई जाती हैं उसको वान बोलते हैं। और आज भी गाँव में वान की जो रस्सी है वो मिल जाती है, उसको जेवड़ी भी बोलते हैं और रस्सी भी बोलते हैं। तो वान कहते हैं कि 5 किलो वान ले आना या 5 किलो वान की रस्सी ले आना। खाट आपने, जो पुराने लोग हैं वो वान की रस्सी पे बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा। आज के लोग उसे जूट समझ सकते हैं, मगर जूट थोड़ा सा अलग होता है। तो जो वान होता है एक वहाँ आता है, दूसरे वान का मतलब है यहाँ क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है तड़हा, पाली के अंदर तड़हा, या अगर हम संस्कृत भाषा में कहें तो तृष्णा। तो तृष्णा या तड़हा या क्रेविंग या वान, ये चारों एक बात हैं। जो इसको भग्न कर देता है, ख़त्म कर देता है, वो व्यक्ति भग्न वान हो जाता है, उसको भगवान बोलते हैं। और भग में आधा गैर पूरा गैर दो करके भग, तो बोलने में ये भग की जगह भग आ जाता है, भगवान। अब भग का कोई शब्द संस्कृत भाषा में अलग हो वो अलग बात है, मगर यह भगवान या भगवान करके बोला जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध ने अपने जीते जी अपनी जो तृष्णा है, जिसके तीन हिस्से हैं, एक राग है, राग को ख़त्म किया, और जो द्वेष है, द्वेष को ख़त्म किया, और जो मोह मूर्ता है उसको भी ख़त्म किया। तो यानी कि जो इसके तीनों पार्ट हैं उनको ख़त्म किया, भग रासो रागो, भग दोसो और भग मोह मूर्ता। तो इसलिए इनको भग्नवान या भगवान या भंगी भी बोलते हैं, भगवा भी बोलते हैं, भागवा भी बोलते हैं, भग्नवान भी बोलते हैं, भववान भी बोलते हैं, बड़े सारे इनके नाम हैं। और जैसे जैसे नाम आते जाएंगे, आप देखिए शब्द सार में हजारों नाम हैं। अभी ईश्वर भी उन्हीं को बोलते हैं, और अब ईश्वर का तो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसी वरंग, यानी जो इसी हैं, वर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो इसियों में श्रेष्ठ हैं। इसियों का मतलब है जो साधना करते हैं, विपसना करते हैं, जो भिक्खु हैं, जो उनमें श्रेष्ठ हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो इसी वरंग हो गया, इसी वरो हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वरीय, ईश्वरीय, ईश्वरीय का मतलब है जो उससे संबंधित है। तो ये नाम चलते रहेंगे। आप नाम से अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो टीम 22 की वीडियोस को देखते रहिए, उनमें सब में इनके अर्थ बताए गए हैं। आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में दे दीजिए, या व्हाट्सएप कर दीजिए, या मेल कर दीजिए, हम उसका जवाब देर सवेर आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।